और आपको बता दें कि आज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि है। कांग्रेस नेताओं ने वीरभद्र सिंह को याद किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने वीरभद्र सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य भी मौजूद रहे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग सभी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनकी जो सेवाएं देश और प्रदेश के लिए रही है उसको लोग आज भी स्मरण करते हैं और बड़ा श्रद्धा पूर्वक आज हम इस तिथि को, क्योंकि आज वो हम सबको छोड़ के गए थे, इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोग उनको बड़ा आदर और सत्कार जो आज भी सभी के दिलों में है उसको ध्यान में रखते हुए सभी ने आज इस पुण्यतिथि पे भाग लेने के लिए कांग्रेस ऑफिस आए। माननीय वीरभद्र सिंह जी को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। श्री वीरभद्र सिंह जी के मेरे साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और जब मैं छात्र जीवन में था, प्रदेश NSOI का अध्यक्ष बना, उस समय जो है माननीय वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, तो शुरुआती दौर से मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और उनका हिमाचल प्रदेश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल निर्माता के रूप में याद करते हैं तो आधुनिक हिमाचल के निर्माता के रूप में श्री वीरभद्र सिंह जी को हमेशा याद किया जाएगा। हाँ, आज पुण्यतिथि है उस महान विकास पुरुष की जिन्होंने हिमाचल को नई बुलंदी प्राप्ति की बात कर रहा हूँ। 2012 के बाद मुझे उनके आशीर्वाद से मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वो एक ऐसे नेता थे जो हर परिस्थिति का मुकाबला करते थे और आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ हमेशा संदेश होता था उनके काम में। आज हम समझते हैं कि उनके बताए गए जो सॉर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट के या जो गवर्नेंस के जो असूल थे और जो उनके मापदंड थे किस प्रकार से प्रदेश को आगे ले जाना चाहिए, हर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम सीखते थे कि राजा वीरभद्र सिंह उनमें भी रास्ता निकालते थे, ऐसा मेरा मानना।